यो गाइस, सभी लोगों का स्वागत है एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद व्लॉग आया है चैनल पे, तो सभी लोग एंड तक ये व्लॉग देखना। तो मैं आया हूँ आज परमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में। पूरा आप लोगों को मैं महोत्सव दिखाने वाला हूँ गाइस। इस महोत्सव में बाल लगरी शो वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें इस व्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो कृपया करके व्लॉग को स्किप करे बिना एंड तक देखना। तो चलो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ इधर महोत्सव में। तो अंदर आते ही सबसे पहले तो एक ही ऑटो रिक्शा डेकोरेशन वगैरह की भी मस्त खड़ी है, काफ़ी ज़ोरदार लग रही है देखने को। और ये काट मतलब बैल वगैरह वाला जो बनाया हुआ है, उसके ऊपर काफ़ी फ्लावर्स, अच्छा डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है। ऐसी बहुत सारी अंदर अट्रैक्टिव चीज़ें रखी है जो देखने में एकदम मज़ा आ जाए। ये देखो, एकदम छोटा सा घर बनाया है, क्या अच्छा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है ये। तो गाइस, अपन लोगों ने सोचा कि स्टार्टिंग में खा पी के फिर अपन लोग अंदर चलते हैं, अच्छे से घूमते हैं, तो क्या ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर क्या भूख वगैरह लगेगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा वापस फिर नाश्ता खाने, जब भीड़ वगैरह लाइन में खड़े रहो। तो इसके लिए गाइस, सब 50 रुपये के नीचे ही है तो काफ़ी अच्छा है नाश्ता वगैरह। यहाँ पे 20 रुपये की तो पाव भाजी मिली है। और ये देखो, स्वामीनारायण खिचड़ी एकदम गरम गरम है। गाइस, ये था पूरा गार्डन। अभी तक आपने जो देखा था वो सब गार्डन के अंदर था। जितना हो पाया मैंने इस व्लॉग में गार्डन को कवर किया है। जो बाकी रह गया है दिखाने के लिए वो मैं शॉर्ट्स में या कुछ और तरीके से स्टोरी वगैरह में आप लोगों को दिखा दूंगा। तो इसके बाद अपन लोग आगे गए थे तो एक ये बॉल की शेप में बना हुआ था लाइटिंग से, उसके अंदर हर कंट्री के फ्लैग लगे हुए थे। ये भी काफ़ी अच्छा था देखने जैसा था कि कितने सारे फ्लैग लगे थे हर कोई देश के, हर कोई कंट्री के मतलब, ठीक है। तो इसके बाद ये देखने के बाद अपन लोग गए थे बाल नगरी। तो बाल नगरी के अंदर सबसे पहले एक ये ट्रेन थी जो काफ़ी इन लोगों ने अच्छी बनाई थी, मज़ा आ गया देख के। तो गाइस, मेन हम लोगों को जाने का था लेजर शो के अंदर, लेकिन हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे। इतनी भीड़ थी लेजर शो के बाहर, मतलब मानोगे नहीं, आप लोग खुद ही देख लो। ये देखो, पूरी की पूरी पब्लिक लेजर शो देखने के लिए खड़ी थी। अंदर एक लेजर शो चालू है, मतलब हर आधे एक घंटे का लेजर शो का था।
टाइमिंग भी थे, लेकिन भीड़ देखो गाइस कितनी सारी है, ये अपन लोग नहीं देख पाए। तो उसके बाद अपन लोगों ने सोचा कि चलो लेजर शो तो नहीं, कोई और तो शो देख कर जाए। अभी यहाँ तक आए हैं व्हाट्सएप में, तो इधर भी आए तो इधर भी काफ़ी भीड़ थी और अंदर शो चल रहा था, लेकिन हमने सोचा कि चलो कोई ना कोई तो शो देख कर जाएंगे आज तो। और ये देखो साहिल नीचे बैठा है। तब मेरा ध्यान गया कि मेरी आंखों के ऊपर कुछ लग गया है, पता नहीं क्या। ठीक है, साहिल बोल रहा नीचे बैठ जाओ बैठ जाओ, क्योंकि अभी तक चालू नहीं हुआ था लेजर, ये मतलब जो अंदर दूसरा शो था। ठीक है, देखो 7:25 हुए हैं, अपन लोग खड़े हैं, लेकिन अभी तक गेट बंद है, अंदर शो चालू है। हमको लगा कि जल्दी नंबर आ जाएगा, लेकिन बहुत देर लग गई थी। ठीक है, A few moments later, 7:41 को फाइनली गेट खुला और अंदर जाने के लिए पब्लिक उठी और हम अंदर गए, लेकिन ये भी लाइन वाइज गेट खोल रहे थे। फाइनली 20 से 25 मिनट के बाद अपन लोग अंदर आए और देखा तो काफ़ी बड़ा शो का वो लगा हुआ था, मतलब थिएटर टाइप बना हुआ था, काफ़ी सीट्स लगी हुई थी। और जल्दी करो भाई साहब, अंदर जल्दी आ जाओ तो शो चालू हो जाए यार, इतनी देर से बाहर खड़े थे यार, जल्दी करो फटाफट आ जाओ फटाफट आ जाओ। तो हम देख रहे थे कौन सा शो है, तो हटो भाई ये क्या लिखा है, चलो अरे भाई साहब हटो, चलो तोड़ दे ये बंधन, तो हम शो देखना है। सिगरेट की तूने, हाँ सिगरेट पी, जवाब दे क्यों पी, आंखें फाड़ कर क्यों देख रहा है, जवाब दे। टेंशन कम करने के लिए, आप भी तो शराब पीते टेंशन कम करने के लिए। बाप से बराबरी करेगा, बाप से पिएगा पिएगा, आप पियोगे तो मैं भी पीऊंगा। भाई क्या ही शो था भाई, सही में यार मैं तो बोलूँ ना, सही में मैं पिघल गया यार, क्या ही शो था यार, सही में मज़ा आ गया देख के। चलो तोड़ दे ये बंधन, काफ़ी जोरदार शो था, मस्त हो था। अवर इंडिया, माय इंडिया। क्या बात है, इधर लाइन बिल्कुल नहीं है, क्या बात है क्या बात है। भारत की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों को समर्पित है। दिल के टुकड़े को दिल से जुदा किया, आंख से बहते आंसू को जज्बे से पोंच दिया, वतन से बढ़कर किसी को नहीं चाह, इस मिट्टी से हसी किसी को नहीं पाया, हमेशा दिल से सिर्फ एक आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊं काम, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। कभी महलों की नहीं रखी ख्वाहिश, कभी मखमली बिछोने की नहीं की फरमाइश, कभी त्योहारों के जश्न नहीं देखे, कभी बच्चों के बचपन नहीं देखे, हमेशा दिल से सिर्फ एक आवाज आई, मां बस तेरे आ जाऊं काम, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। तब तारे किस्तान हो या बर्फ का तूफान हो, समंदर की लहरें हो या जंगलों के घेरे हो, इनके कदम ने रुकना नहीं सीखा, किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, ये खून की होली खेले, हंसते हंसते सीने पे गोली झेले, देश के खातिर जिंदगी पाई,
दिल से बस ये आवाज पाई, मां बस तेरे आ जाऊं का, तुझ पे हंसते हंसते हो जाऊं कुर्बान। भारत मां से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, इस पे मर मिटने वाला मर के भी मिटता नहीं। तो गाइस ये था पूरा प्रमुख स्वामी महाराज जी का महोत्सव। आई होप आप सब लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। देखो गाइस जितना हो सका मैंने इस वीडियो व्लॉग में मतलब कवर किया है, जो जो नहीं कवर किया वो मैंने खुद ने नहीं देखा। जैसे लेजर शो था, लेजर शो मैंने खुद ने नहीं देखा, दो तीन और भी शो थे। यहाँ पे पूरा घूम लिया है, मतलब जो जो जहाँ जहाँ टाइम मिला वो अपन लोगों शो वगैरह देखे। मेन एक था लेजर शो, उसमें काफ़ी लाइन थी, आप लोगों ने आगे देखे वो दूसरी लाइन थी, तो वो एक मिस हो गया। देखने देखा तो वही था बट वो एक मिस हो गया, चलेगा कोई बात नहीं। अगर तुम लोग आओ काफ़ी अच्छा है, 15 जनवरी तक ही है, जितना हो सके जल्दी आ जाना, ठीक है। रात को ज़्यादा मजा है, रात को ज़्यादा मजा है, ये देखो। लाइटिंग का ही कमाल है बस। रुको यार, तुम लोगों को तो इतनी जल्दी है, कहाँ जाने का तुम लोगों को? अभी तो व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, बाकी ये व्लॉग समर करो, अभी कुछ आना बाकी है, ठीक है। तो चलो 3 2 1। आप सभी लोगों ने 2022 में खूब सारा प्यार दिया, खूब सारा सपोर्ट किया, ऐसा ही सपोर्ट गाइस 2023 में भी आप लोगों को करने का है, पर इससे डबल करने का है। अभी 2023 में मैं ट्राई करूँगा अपने आप को अपडेट करने के लिए, एक स्टेप और ऊपर चलूँगा मैं अच्छे से, और भी ब्लॉग की जो परंपरा चालू हुई है वो परंपरा को मैं और भी आगे बढ़ाऊँगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो गाइस ये था परमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को ब्लॉग भी पसंद आया होगा, और ब्लॉग आया भी देखो कब है, 1 जैन को मज़ा आ गया, न्यू ईयर के दिन ही 1 डेट को आया, 1 जनवरी 2023, मज़ा आ गया भाई, साल के पहले दिन पे ही ब्लॉग आ गया, और क्या ही चाहिए यार, ठीक है। चलो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, और स्टीम वगैरह पे आओ मजा करेंगे, BGM हमारा वापस चालू हो गया, ठीक है। लाइक एम जो रखा है ना वो कंप्लीट करना, ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो नीचे, ठीक है, और सोशल मीडिया वगैरह सब जगह फॉलो वगैरह कर देना। टाटा बाय।